रेलवे स्टेशन आप लोग पहुंचे हैं, कैसा लगा आपको यहाँ का पंडाल? यहाँ का पंडाल तो हर साल बहुत ही अच्छा रहता है, इस साल और बहुत ही अच्छा है, काफी भव्य लग रहा है आपको? बहुत भव्य है, विश्वास नहीं हो रहा इतना सुंदर पंडाल बनाया गया है, है ना? विश्वास नहीं हो रहा कि इतना अच्छा बनाया गया है, भव्य सेठ है ये। चलिए नहीं, बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, 3 साल बाद तो हाँ हाँ 2 साल बाद तो एंजॉय करने का मौका मिला है। तो मैं देख रहा था कि इतना चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आने लगा देखकर। नहीं नहीं हमें चक्कर नहीं आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। राजधानी रांची और इसके आसपास दुर्गा पूजा पंडाल हुआ बनकर तैयार, रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाई सड़कें। जी बिल्कुल आपने सही सुना, बीती रात एसएमपी न्यूज की टीम राजधानी रांची के महत्वपूर्ण पूजा पंडालों की तैयारियों का जायजा लेने निकला। इसी कड़ी में रांची रेलवे स्टेशन, बकरी बाजार, मेन रोड, कचहरी रोड, लकड़ीटाल, रातू रोड की लगभग सभी पंडाल तैयार हो गए हैं और काफी ही भव्य और आकर्षक, जैसा कि लोगों ने कहा कि इस बार देखने को पंडाल मिल रहा है और ऐतिहासिक पूजा होगा इस बार का। कल से ही लोग घूमने के लिए निकल चुके थे। आपको बता दे, इस साल पूजा की तैयारी जोरों शोरों से किया गया है। तो वहीं आपको सूचना देना अति आवश्यक है कि आज कई रांची के प्रमुख पंडाल का पट भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। यदि हम रातू रोड की बात करें तो आज पंचमी के दिन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो वहीं षष्ठी के दिन शिवसेना दुर्गा पूजा समिति पंडाल के प्रांगण में पहुंचेंगे मुख्य अतिथि के रूप में रांची के CTSP कुमार अंशुमन। लेकिन पूजा पंडाल निकलने से पहले आप भी रहें सावधान, मौसम विभाग के अनुसार बारिश की है चेतावनी। बहरहाल आइए देखते हैं क्या कुछ है राजधानी में तैयारी पूजा को लेकर। देखते हैं प्रमुख पंडालों के दृश्य और मेला प्रांगण का स्वरूप। तो आइए, हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति, हमारे साथ मुंजुन राय जी हैं, अध्यक्ष हैं, हम इनसे जान लेते हैं। हाँ मुंजुन जी, बादलों के बीच ये खूबसूरत एक दृश्य देखिए, यहाँ प्रकृति के संरक्षण का दृश्य दिखाया गया है और एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि प्रकृति स्वयं सौंदर्य की देवी है और हम लोग प्रकृति का संरक्षण करें तो उसे एक सुंदर तरीके से लकड़ी को और पेड़ को, जंगल को बचाने का हम लोगों ने यहाँ संदेश दिया है। तो उसी को हम लोगों ने इंद्रधनुष के द्वारा और प्रकृति को बचाने के लिए बम विस्फोट के बाद जो क्लाउड बनता है उसको भी हम लोगों ने दिखाया है कि परमाणु होड़ से मानव सभ्यता नहीं बचेगी, मानव जाति नहीं बचेगी, बल्कि प्रकृति का संरक्षण होगा तभी मानव जाति बचेगी। और ये पिछले जो 2 वर्ष हैं इससे हमें सबक लेने की ज़रूरत है कि प्रकृति से छेड़छाड़ का यह नतीजा है कि कोरोना जैसी महामारी से लाखों लोग असमय काल के गाल में समा गए। यहाँ पर 500 त्रिशूल हैं और भोले बाबा का जो झंडा है वह लगाया जा रहा है, 500 त्रिशूल और कुछ डमरू के साथ भी त्रिशूल यहाँ लगाए गए हैं। जो डमरू जो के साथ जो त्रिशूल है भोले बाबा का प्रतीक है और जो सिर्फ त्रिशूल है वह माँ भवानी का प्रतीक है, उसी को पूरे पंडाल में यहाँ दिखाया गया है। मतलब बेहद और काफ़ी भव्य पंडाल ये रांची का होने वाला। प्रत्येक वर्ष हम लोग प्रयास करते हैं कि लोगों को कुछ अच्छी थीम पे आधारित हम लोग पंडाल दिखा सकें और इस बार भी अगर माँ भवानी की कृपा रही तो हम लोग अपने जो इस कार्य में सफल होंगे। तो अंततः हम पहुंच चुके हैं बकरी बाजार, भारतीय नवयुवक संघ, अशोक जी हमारे साथ हैं, समिति अध्यक्ष हैं, जान लेते हैं। देखिए अभी तो आपने अंदर का निरीक्षण नहीं किया है, तो अभी आप जब अंदर जाएंगे दरबार में और दरबार का जो अंदर का प्ररूप है या इस्कॉन से जुड़ा हुआ जो प्ररूप है उसके बाद आपका मन और खुश हो जाएगा कि हमने अंदर भी पूरा प्रयास किया है इस्कॉन को उतारने का और हम सफल हुए हैं। पट खुल रहा है, पट तो आज खुलना था भैया, क्या कर रहे हैं, कल खुल रहे। मेला का भी इस बार तो भव्य आयोजन किया गया है। मेला तो आज ही चालू हो गया है, आप जाएंगे देखेंगे, सब नहीं चालू हुए हैं, कल सारे चालू हुए। लेकिन इस बार झूला एक से एक अलग अलग दिख रहे हैं।
देखिए झूला वाले ऐसा नहीं है, वो हर साल कुछ ना कुछ नया लाते हैं, अगर नहीं लाएंगे तो उनको उनके झूला पे बच्चे कहाँ से बैठेंगे। खान पान भी आज शुरू नहीं हो पाया था, कल से मोस्टली स्टॉल खुल जाएंगे, एक आध स्टॉल खोल छोड़ कर। बताओ चकरी पे गए थे कि नहीं गए थे? आप भी चकरी पे गए थे? नहीं नहीं, हाँ नहीं, आप नहीं गए थे? ये गए थे, ये गए थे, ये गए थे, ये भी गए थे, ये भी गए। वो लगता है कि होश में नहीं है तभी नहीं बोल रहे। ये चक्कर ज्यादा आ गया, ये तो हाँ चक्कर नहीं आ रहा है, ज्यादा भी नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए, गए बहुत अच्छा लगा, बोलो बहुत मजा आ रहा है। चक्कर नहीं आ रहा है? ये बिटिया रानी से पूछ रहे हैं, आप भी गए थे जब झूला पे? कैसा लग रहा था उस समय? अच्छा। चक्कर नहीं आ रहा है? आ रहा था, आ रहा था, अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है, अब नहीं आ रहा है, मजा आया।
आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।